ఓకేనా? మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం. మీకందరికీ తెలుసు, ఏఐసిసి ఆదేశాల మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యసభాపక్ష నాయకుడు 50 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘంగా ఏకదాటిగా ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ నాయకుడు పెద్దలు శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు జాతీయ స్థాయిలో మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వ ఆస్తులను ఏ విధంగా అగ్వక్సగ్వక అమ్మేసి ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ఏర్పాటు చేసి ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్లను కాపాడడమే కాకుండా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడానికి పెట్టిన పెట్టుబడులను అన్నింటిని కూడా జాతీయ స్థాయిలో నరేంద్ర మోడీ గారు అమ్మడం మొదలుపెట్టిండ్రు. వాటికి సంబంధించి ఈ దేశ ప్రజలకు ఒక అవగాహన కల్పించి దేశంలో ఉన్న పరిస్థితులను వివరించడానికి ఏఐసీసీ ఆదేశాల మేరకు పెద్దలు శ్రీ మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సందర్శించిండ్రు. వారు ఆ అంశాలకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలను మీడియా మిత్రుల ముందు పెట్టడం జరుగుతుంది. దయచేసి ఇది జాతీయ స్థాయిలో ఎంతో ప్రాధాన్యతతో కూడుకున్న అంశం. మీడియా మిత్రులందరూ కూడా ఈ వీలంత మేరకు ప్రాధాన్యతను కల్పించాల్సిందిగా కోరుకుంటూ పెద్దలు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారిని మాట్లాడవలసిందిగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. శ్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సారీ తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీకి అధ్యక్ష శ్రీ రేవంత్ రెడ్డిజీ ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సభి వరిష్ఠ నేతాగణ్ और यहाँ पर उपस्थित मेरे मीडिया के दोस्तों, मैं यहाँ पर जो आया हूँ खासकर रिसेंटली मोदी सरकार ने जो 23 अगस्त 2021 को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में 6,00,000 करोड़ रुपए जमा करने का जो एक देश के लोगों को संदेश दिया है और जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उसको एक एक करके मॉर्टगेज करना, लीज करना, हो सकता है आगे सेल भी करना, तो इसका परिणाम क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कॉमन पीपल एंड द कंट्री एंड हाउ वी आर गोइंग टू लूज ऑल द पब्लिक सेक्टर्स टू फ्यू पीपल. Modi always said अच्छे दिन लाऊंगा. अब मैं पूछना चाहता हूं क्या ये अच्छे दिन है,
पहले तो आपने 3 साल में कम से कम 3,50,000 करोड़ की पब्लिक सेक्टर संपत्ति बेची है या लीज दी है, और अब आज भी फिर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में उन्होंने इस देश को बनाने के लिए आजादी के बाद जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट लाया था 1951 के बाद, कम से कम उन्होंने सैकड़ों पब्लिक सेक्टर्स इस देश में लाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मिक्स्ड इकोनॉमी पे अपना विश्वास करते थे और उसी के वजह से उन्होंने प्लानिंग कमीशन और बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाए। 1951 में सिर्फ 5 पब्लिक सेक्टर थे इस देश में, लेकिन उनके जमाने में नियरली 89 पब्लिक सेक्टर इसको जोड़ दिए। आज इसी के वजह से हैदराबाद का भी नाम हिंदुस्तान में नहीं, सारे देश में, सारे संसार में इसका नाम बड़ा है, क्योंकि इतने पब्लिक सेक्टर यहाँ पर लाए गए और उस पब्लिक सेक्टर से इतना एम्प्लॉयमेंट हैदराबाद में बढ़ा और उसके वजह से यहाँ का इकोनॉमी बढ़ी। अब जब इनकम लोगों के हाथ में पैसा आता है तो नेचुरली कंजम्पशन भी बढ़ता है। जब कंजम्पशन बढ़ता है तो बिजनेस बढ़ता है, जब बिजनेस बढ़ता है तो यहाँ संपत्ति भी बढ़ती है। तो इसका कारण जवाहरलाल नेहरू जी है, कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी ने अपने मिक्स्ड इकोनॉमी में बहुत से इंडस्ट्रीज इस देश में लाए। वो भी करके आपको हम देंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी का उद्देश्य यही था, इस देश में प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, जॉइंट सेक्टर हो, सभी सेक्टर्स को जवाहरलाल नेहरू जी ने तवज्जो दिया और इन सेक्टर्स के साथ ही बड़े BHEL, BEL, IITs, ये जो टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये सब इस देश में आए। और आज पब्लिक सेक्टर्स के तहत 35 लाख लोग काम कर रहे हैं, 35 लाख लोग एश्योर्ड इनकम ले रहे हैं, और ये 35 लाख पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोग, उनकी
पढ़ाई बढ़ी है उनके लोगों की, उनका इनकम बढ़ गया है, तो इस पब्लिक सेक्टर को आज मोदी जी खत्म कर रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद, और पब्लिक सेक्टर्स अगर खत्म हो गए, बैंकिंग सेक्टर खत्म हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर खत्म हुआ, तो रेलवे सेक्टर खत्म हुआ, तो अल्टीमेटली रिजर्वेशन भी खत्म होगा और बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन के लिए लड़ के लिए मंडल कमीशन के तहत शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन तो पहले से था ही, वो तो संविधान के तहत दिया गया हुआ था, लेकिन इन लोगों की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए, इनको पस्त करने के लिए मोदी जी ने इनडायरेक्टली एक कदम उठाया है कि इसको डीनेशनलाइज करो या बेचो, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी आर्थिक परिस्थिति आज जो है इसका इनका कमर तोड़ के ना ये लोग पॉलिटिक्स में रहे या इनके पास पॉलिटिकल पावर रहे, ना ये लोग स्वाभिमान के साथ जिए, ये उनका मूल उद्देश्य है। क्या पब्लिक सेक्टर्स ठीक है? कांग्रेस के जमाने में 91 में जब पीवी नरसिंह राव साहब थे, मनमोहन सिंह जी जब वे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो बहुत ही कमजोर पब्लिक सेक्टर थे, वो बार बार नुकसान में आ रहे थे, इसीलिए चंद को उन्होंने डिलीट किया, यानी उसको या मिला दिया या उसको किसी तरह से दूसरे तरीके से लाए। लेकिन यहां जो फायदे के हैं, जो फायदे में चल रहे, महारत्ना और वो क्या और एक रत्न है ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, अरे ये तो प्रॉफिट में है और कम से कम साल को 3,50,000 करोड़ रुपए फायदा होता है और नुकसान कितने, नुकसान में चलने वाले पब्लिक सेक्टर्स कितने हैं, उसमें सिर्फ 45,000 करोड़ रुपए नुकसान होता है। फिर भी सब अगर पीयूसी आप देखेंगे तो सभी मिलने जाने के बाद भी 3,00,000 करोड़ आज सरकार को पब्लिक सेक्टर से फायदा है, और उसी के साथ साथ 7,00,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिलता है एक्साइज ड्यूटी के तहत, जीएसटी के तहत, इंपोर्ट ड्यूटी भी हो सकती है, ये सारे तरीके से गवर्नमेंट को इसमें भी फायदा है। तो हर चीज में आज जो कांग्रेस ने बना के रखी और उसको आप बेचना शुरू किए, वॉट एवर वी अर्न इट इज टैक्स पेयर्स मनी, पीपल हैव पेड, इट इज पीपल्स असेट, इट इज ए पब्लिक असेट, एंड मोदी जी इज सेलिंग वन बाय वन। एंड और एक मजे की बात आपको मैं बताऊंगा कि दे रोड 1,60,000 करोड़ इसकी वैल्यू है, उन्होंने 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज
को किसी अमीर को या अपने चाहते को देखकर उससे वो कमाना चाहते हैं 1,60,000 करोड़ 4 साल में। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के तहत सालाना 1 किलोमीटर को 85 पैसा गिरता है जो टोल कलेक्ट करते हैं। अगर आपको 1,60,000 करोड़ 4 साल में अगर कमाना है तो आपको 6 गुना टैक्स टोल टैक्स देना पड़ेगा। आप जो आज 200 रुपए किसी टोल टैक्स में दे रहे हैं तो वो कल इसका 6 गुना करेगा, क्योंकि कोई मुफ्त में तो नहीं लेगा और उसको तो 1,60,000 देना है। वैसा ही रेल, उससे 1,52,000 करोड़ कमाना चाहते हैं, 400 स्टेशंस, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक्स और वुड सेट्स, ये चोट कल के दिन अगर कोई ऑक्शन में, या ऑक्शन तो नाम के वास्ते करते हैं और ये हमेशा हम दो हमारे दो जो भी है, दो बेचने वाले हैं दो लेने वाले हैं खरीदने वाले, तो उनको देने के लिए ये कम से कम 400 स्टेशंस, 150 ट्रेन्स और 1,52,000 वो अगर कमाना है, इसके ऊपर फिर प्रॉफिट वो बनाना है, तो ट्रैक पे जो प्राइवेट ट्रेन चलेगी उसका भाड़ा बढ़ेगा, अगर पैसेंजर ट्रेन चलेगी उसका भाड़ा, क्योंकि वो ट्रैक उसके कंट्रोल में है। जैसा रोड उसके कंट्रोल में रहेगा तो टोल वो बढ़ाएगा फायदे में। तो पावर ट्रांसमिशन ये भी बहुत बड़ा इश्यू है, ये 45,000 करोड़ इससे कमाना चाहते हैं और 42,300 सर्क्यूट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। इसी तरह पावर जनरेशन, उससे 40,000 करोड़ कमाना चाहते हैं और 6,000 मेगावाट हाइड्रो सोलार विंड ये सब असेट्स बेच रहे हैं। ऐसा ही नेचुरल गैस हो और पीडीटी पाइपलाइन हो, टेलीकॉम हो, वेयर हाउसिंग हो, माइनिंग हो, एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, स्टेडियम्स, यहाँ तक कि वो बेच रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं और ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। और हमको पूछ रहे थे 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, हालांकि 70 साल में हम 55-60 साल कांग्रेस ने की, बाकी के तो दूसरे मित्र पक्षों ने की, दूसरे दूसरों ने किया, और ये 70 साल में 6 साल तो वाजपेयी साहब का है, वो भी छो हमारे भी डाल देते क्योंकि उसको भी अपना नहीं समझते, इसको वाजपेयी जी, तो खैर 70 साल में हम कुछ नहीं किए। फिर आप 3.5 लाख करोड़ में जो बेचे संपत्ति वो किसकी थी, आज जो 6 लाख में आप जमा करने की सोच रहे हैं, नगद लाने की सोच रहे हैं, वो किसका है? आज तो ये बेच रहे हैं, कल के दिन नागार्जुन सागर में कहीं डैम वो भी लीज पे देंगे, तुंगभद्रा डैम देंगे, आलमट्टी डैम देंगे, कृष्णा कावेरी देंगे, क्योंकि पैसे की जब कमी होती है तो वो कहेंगे अरे हम उसका फुल यूटिलाइज करना है,
तो ये जो इन्होंने सोच के रखा है और आज जो करने जा रहे हैं ये जनता के हित में नहीं और जनता के खिलाफ है और हम ये होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी सारी संपत्ति को बचाने की कोशिश करेगी और जो कुछ हमने हासिल किया है जनता के लिए आप एक एक करके नुकसान है समझकर आप ये कर रहे हैं। अगर ये नहीं होते आज के दिन देश इतना बड़ा नहीं होता। पहले क्या बैंक्स इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइज किए, बैंक नेशनलाइज होने के बाद ही गरीब लोग बैंक में पैर रखने लगे, पहले था। और इनकी जन धन योजना, जनधन योजना में उन्होंने गर्व से कहते हैं कि 43.03 करोड़ अकाउंट्स बने, लेकिन प्राइवेट बैंक में कितने अकाउंट खोले? सिर्फ 1.80 करोड़, यानी 41 करोड़ सबका जनधन अकाउंट पब्लिक सेक्टर में है, किसी देहात में नहीं खोले किसी बैंक प्राइवेट वाले। अरे ये सब सारा कांग्रेस पार्टी ने किया और इतने पब्लिक सेक्टर जनहित में हमने किए और आज जो पब्लिक सेक्टर्स चाहे वो बेंगलुरु भी इतना बड़ा बना है बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर, हैदराबाद इतना बड़ा बना है बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर, वाराणसी इतनी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ रेलवे इंजन फैक्ट्री अदर्स, हर जगह पब्लिक सेक्टर्स के वजह से हम आगे आए। लेकिन ये अपना दुर्दैव है कि आज ऐसी सरकार आई है कि लूटो और अपने दोस्तों को बांटो, ये चल रहा है। और मुझे ताजुब लग रहा है कि जो समझदार लोग हैं वो भी चुप बैठे हैं, और मुझे और भी ताजुब लग रहा है जो इंटेलेक्चुअल्स प्रेस मीडिया जिसके ऊपर हमला हो रहा है वो भी चुप बैठे हैं। तो ऐसा अगर हुआ तो एक तरफ डेमोक्रेसी खतरे में, एक तरफ संविधान खतरे में, दूसरे तरफ बोलने की आजादी खतरे में, और जो 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 हमने कमाया वो सब या प्राइवेटाइजेशन होगा, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से ये सारा कुछ चल रहा है। और आज मैं आपके सामने यही कहने आया था कि ये जो असेट हमने बना के रखे हैं इसको जो अपने दोस्तों को बेचने के इरादे से वो जो काम कर रहे हैं इसको कहीं ना कहीं हम रोकना चाहिए और हम रोक के रहेंगे। मैं एक आपके पास कोट करूंगा नेहरू जी का, जिन्होंने ये बात आजादी के बाद ये कही थी, एक पूंजीवादी समाज में ताकतों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो अमीर और अमीर जबकि गरीब और गरीब हो जाते हैं। तो इसीलिए तो प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, कोऑपरेटिव सेक्टर को, जॉइंट सेक्टर को, माइक्रो फाइनेंस को हमने बढ़ावा देते रहे। और सबसे पहली बात मैं यही बोला कि जैसे जैसे हमारे पब्लिक सेक्टर्स खत्म होंगे, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और गरीब जो अपने पैर पे खड़ा होके स्वाभिमान से जो जी रहा है उसकी भी रोटी छीन ली।
रेलवे एक ही सेक्टर में, पहले जब मैं रेलवे मिनिस्टर था 14 लाख लोग काम करते थे, आज 12,35,000 पे आए और वो कम करते जा रहे। तो इसके ऊपर से सोचिए। मैं अपील करता हूं देशवासियों से और खासकर तेलंगाना वालों से भी, क्योंकि यहां पर भी इतने मजबूत पब्लिक सेक्टर्स थे, इतने एम्प्लॉयमेंट थे, इसीलिए तो ये गांव बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है। उनसी भी जैसा कहते हैं बस्ती बस्ती बसते बसते बस्ती बनता है, वैसा ही बड़ा गांव बनता है। इसीलिए हम यही चाहेंगे कि हमारे पब्लिक सेक्टर्स को हम हिफाजत करना चाहिए। और मैं पहले ही कहा जो बहुत ही खराब है, और मैंने ये भी कहा कि उसके लिए अगर कुछ आप दुरुस्त कर सकते हैं, इसमें से पैसा डाल सकते हैं तो आप कीजिए। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जितने भी लोग ये सारे 12 सेक्टर्स में लेंगे, लीज पे लेंगे, 30 साल लेंगे, 50 साल लेंगे, 90 ईयर्स लेंगे, बाद में बोलेंगे कोई बैंक हमारे पैसे देने के लिए तैयार नहीं, हमारे नाम से करो तब हमको लोन मिलेगा, तो फिर उनके नाम से हो जाए। लेकिन पैसा इनके पास नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पैसा भी वहीं से लेंगे, गिरवी रखेंगे हमारा सामान, ओनरशिप हमारे कागज में रहेगा, सारा ओनरशिप उनके पास रहेगा। तो ये समझने की बात है, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि ये 60 लाख करोड़ की बात जो निर्मला सीतारमण ने कहा और मोदी जी यही कहते रहे, पहले से भी कहते हैं कि आज तक उन्होंने जो प्रॉमिस किया उसमें कोई हो सकता है छोटे मोटे काम के, क्योंकि मैंने देखा उनके आप 3 भाषण निकाल के दो देखिए। पहले जब उन्होंने ये 3 साल के 15 अगस्त के भाषण में देखिए, उन्होंने ये कहा 100 लाख करोड़ मैं इन्वेस्ट कराने दूँ, कहा है भी 100 लाख करोड़, एक ईंट तो डाले हैं। 100 लाख करोड़ का उन्होंने नक्शा दिया, लेकिन एक ईंट कहीं नहीं लगी, एक फैक्ट्री कहीं नहीं आया, एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं हुआ। ये तो एम्प्लॉयमेंट छोड़िए, हम क्रिएट किए सो एम्प्लॉयमेंट तो छीन ले रहे। आप जो 2-2 करोड़ देने की वायदा किए थे, वो 15 करोड़ नौकरियां कहाँ है? हो सकता है आप लोगों को मिले होंगे, क्योंकि हैदराबाद ये सेंटर है अपने भारत का, तो यहाँ कुछ आया होगा कहीं, आपके पास मालूम नहीं मुझे, और देश के युवकों के पास तो नहीं। तो कहने का मकसद ये है, वायदा करते हैं लेकिन उसको निभाते नहीं, तो हम इसके लिए लड़ते रहे। हमारी पार्टी ये कोशिश करते रहे कि गरीबों एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए, और ये जो आज कौड़ी के दाम पे उनको दिया जा रहा है, इसको किस ढंग से हम लोगों तक पहुंचा सके इसके बारे में और रोक सके, इसकी कोशिश हम करें। धन्यवाद जी। भाजपा की ये दौर में डिसइन्वेस्टमेंट शुरू हुआ था, तो उसके बाद एक कांग्रेस का दौर आया, तो वो जब देखिए हमने कांग्रेस ने, मैं पहले ही बोला आप ये प्रश्न पूछेंगे, मैं उसकी भी तैयारी करके उसके आके पहले ही बोला कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट जो बहुत ही खराब है, जिसमें कोई फायदा ही नहीं है, अगर उसको कुछ ठीक कर सकते हैं तो करो, नहीं तो डिस्कार्ड कर सकते हैं तो करो, लेकिन जो फायदे करने वाले हैं उसका आंकड़ा मैंने दिया।
महारतन, नवरतन, मिनी रतन, ये तो है ना, और ये फायदे कर रहे हैं, और फायदे नहीं करने वाले कितने इंस्टीट्यूट है, वो थोड़े हैं, थोड़े संख्या भी छोटे मोटे ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसका नुकसान कितना है, 45,000 crores. अरे आप 3,50,000 कमाते हो, अगर 50,000 में चले 3 लाख तो फायदे में है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलती है, इसीलिए हम तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ध्यान में रख के ये काम करते आए, और इकोनॉमी के बढ़ाने के भी काम किए हैं, क्योंकि उस जमाने में आजादी के बाद कोई ऐसा प्राइवेट सेक्टर वाला नहीं था, आगे आके या BEL, BHEL या फार्मेटिक सेंटर, हैदराबाद फार्मेसी का एक बहुत बड़ा सेंटर था, उसको भी खत्म करने की कोशिश इन्होंने, और आहिस्ता आहिस्ता, तो ये हमको सोचना चाहिए, चंद चीजें हमको करना चाहिए, उसको रिटेन करना चाहिए, और उसके लिए हम लड़ेंगे। देखिए साहब, लड़ना हमारा काम है, आप भी हमारे साथ आएंगे ऐसा मैं समझता हूँ, लड़ना हमारा काम है, लोगों को जागृत हमारा काम करना है, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है, जितने भी आज इसको समझ सकते हैं, उनको हमारे तरफ से जो हो सकता है समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका प्रचार इतना है, वो झूठ को ही 100 बार बोलते हैं, सत्य बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसके वजह से हमको जागृत होके काम करना है। देखिए, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले हर पार्टी के रहते हैं, हर ट्रेड यूनियन के लोग रहते हैं, इंटक है, AITUC है, CPI का है, CPM का है, आजकल तृणमूल कांग्रेस का है, और BMS है, अब वो BJP वाले कभी नहीं जिंदगी में वर्कर्स की बात ही नहीं करते थे, अब वो ये 15-20 साल में उठे हैं जागे, पहले तो ना किसी बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते थे, किसी मजदूर की बात करते थे, कुछ नहीं, RSS का एजेंडा, उसी में सब कुछ उनका स्वर्ग दिखता था, तो आज आ रहा तो लेके हमारा फर्ज ये होता है कि लेबर लॉज को भी देखना, उसके साथ साथ पहले इसको ठिकाना है, पब्लिक सेक्टर्स को हम रखना, और उसे नुकसान क्या है, कॉमन पीपल को भी है, मैंने पहले ही बताया, रोड में अगर मैं 1,60,000 अगर आपको देना है, और मैं कमाता हूँ आज जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, वो क्या रोड हाईवे अथॉरिटी है, वो कमाती है 1 किलोमीटर को 80-85 पैसा, वो कैसा एक आज उसको मिलता ही है, 1 करोड़ रुपए भी नहीं मिलता मैंने, तो यहाँ पर उसको 1,60,000 रुपए अगर कमाना है तो टोल कितने और बढ़ाना होगा, और एक एक टोल को कितना पट 6 पट 7 पट पैसा वसूल करेगा व्हीकल के ऊपर, आपके ऊपर, आप तो लोग इतना होने के बावजूद भी डीजल पेट्रोल इतनी महंगी हो गई फिर भी कोई आवाज नहीं उठती, आवाज हम उठा रहे हैं, आप नहीं नहीं सुनिए, उसको क्या तलवार लेके मरते, थोड़ी बात कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप जरा छपाते हमारे लिए भी थोड़ा जगह रखिए, या TV में थोड़ा जगह, आपके पेपर में तो आएगा, लेकिन हमारा हम अपने को आधा कॉलम देंगे, उसको अगर 4 कॉलम देंगे उसकी फोटो दाढ़ी के साथ छप जाएगी, और हमारा कुछ भी नहीं है, तो मेरा कहना ये है कि आप सभी से विनती है, ये पब्लिक कॉज है, कॉमन पीपल को भी इफेक्ट होता है, तो
आपको भी इफेक्ट हो रहा बोल के आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, राम ने गया था तो इसे, अरे उसी लिए बोल रहा राम, एम राम उनके ही है। बहुत से चीजें मुझे मालूम है, सो इसीलिए सबको इफेक्ट हो रहा है। अब पेगासस सबको इफेक्ट हो रहा है, आर्मी से लेकर मेरे तक, मेरे से लेकर आप तक, तो इसीलिए हमको होशियार। थैंक यू वेरी मच।